छत्तीसगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अवैध नशीले पदार्थों का व्यापार न केवल भारत के लिए एक चुनौती है बल्कि एक वैश्विक मुद्दा भी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर देश संकल्प और रणनीति के साथ आगे बढ़े तो इस खतरे से निपटा जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से उत्पन्न धन का उपयोग आतंकवाद और नक्सलवाद फैलाने और देश की इकोनॉमी को कमजोर करने जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। शाह ने नशीली दवाओं का पता लगाने, नेटवर्क को नष्ट करने, अपराधी को पकड़ने और नशे की लत को छुड़ाने जैसी चार सूत्रों को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में जब देश की आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है और धीरे धीरे ये संकल्प 130 करोड़ आबादी का संकल्प बन गया है। शाह ने कहा, मेरा मानना है कि समृद्ध, सुरक्षित और गौरवशाली भारत बनाने के लिए नशा मुक्त भारत का संकल्प बेहद मायने रखता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कई देश इसके खिलाफ अपनी लड़ाई हार चुके हैं। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति के साथ देश को नशा मुक्त बनाना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है। शाह ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में सेडेटिव्स के उपयोग का प्रतिशत 1.45 है जो कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 4.98% लोग गांजे का सेवन करते हैं जो राष्ट्रीय औसत 2.83% से कहीं ज्यादा है जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सीमाएं ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित 7 राज्यों से लगती हैं, जहां से नशीली दवाओं की तस्करी की जाती है। छत्तीसगढ़ बंगाल की खाड़ी के भी करीब है और ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तटीय कनेक्टिविटी नशीली दवाओं के व्यापार का रास्ता बनाती है। गृह मंत्री ने कहा कि ड्रग तस्कर चलन बदल रहे हैं और प्राकृतिक दवाओं से सिंथेटिक दवाओं की ओर बढ़ रहे हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने ये भी कहा कि नशीली दवाओं के व्यापार नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर नजरिए के साथ साइंटिफिक जांच पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत पर बल दिया जाए। अगर किसी छोटी दुकान में ड्रग्स का पैकेट मिलता है तो हमें जांच करनी होगी कि ये कहां से आया और इसका निर्माण कहां हुआ। इस पूरे सिस्टम को खत्म करने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीके से जाँच की जरूरत है। केंद्र मंत्री ने यह भी कहा कि जो नशीली दवाओं का सेवन करता है वो सिस्टम का शिकार है और जो नशीली दवाओं का व्यापार करता है वो एक अपराधी है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए हमें नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ना होगा। अमित शाह ने कहा कि जोनल कार्यालय न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे क्षेत्र में अवैध नशीली दवाओं के कारोबार पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के साथ साथ कई विभागों के अधिकारी भी शामिल थे।